हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है ताकि आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है उसमें पास हो सके। बिल्कुल बात करेंगे विस्तार से। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से सीखना चालू करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुक अभी चल रही होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुक भी ख़त्म हो गई होगी, तो सभी पे पूरा अच्छे से हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन में कब जाना है या ऑफलाइन में कब जाना है, ओवरऑल सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोगों का रिटर्न टेस्ट हो जाएगा एसएससी का, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। तो जब स्किल टेस्ट तभी होगा जब आप वहाँ पर रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो रिटर्न टेस्ट के साथ साथ आपको स्किल की भी तैयारी साथ में ही लेकर के चलनी है। तो उसमें जो डिक्टेशन बोली जाती है वो सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है कि जो ग्रेड डी है उसमें 80 वर्ड मिनट बोली जाती है, 800 वर्ड बोले जाते हैं, 10 मिनट की डिक्टेशन होती है और 65 मिनट मिलते हैं उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। और ग्रेड सी में 100 वर्ड की बोली जाती है और उसमें 1000 शब्द बोले जाते हैं और 55 मिनट मिलते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए। और उसमें जो गलतियों का जो एरर होती है वो 5% होती है और ग्रेड डी में जो होती है वो 7% होती है जनरल वालों के लिए, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 10% होती है। तो ये एक क्राइटेरिया है। अब इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर हम बात करते हैं। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले सबसे पहले जो बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे उनके लिए है और कुछ बच्चों की जो बुक चल रही है उनके लिए है और जिनका पूरा कोर्स ख़त्म हो गया उनके लिए है। तो किस किस तरीके से चलेगा वो उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जिन बच्चों की अभी बुक स्टार्ट हुई है वो बिल्कुल 2 से 3 महीने में के अंदर अपना कोर्स ख़त्म कर लें। क्योंकि मान लीजिए अक्टूबर और नवंबर में आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा तो रिटर्न टेस्ट के एग्जाम के पहले तक का आराम से आप लोगों की बुक ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से होगी, समझ में भी अच्छे से आएगा। और उसके बाद जो आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है वो जनवरी के आसपास लगेगा, तो आप लोगों को वहाँ टाइम मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम क्या होता है कि अभी पहले हम रिटर्न पढ़ लें उसके बाद स्टेनो पढ़ेंगे तो ये आप लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा, ये उनके लिए फिर बिल्कुल नहीं रह जाता, फिर वो दिन रात पढ़ते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, याद रखिए जहाँ कोचिंग जानी है आप वहाँ पर जाइए, जिसको जो पढ़ना वो पढ़िए, लेकिन अभी से स्टार्ट करिए। जो बच्चा स्टेनो सीखना चाहता है वो बिल्कुल अभी से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। हमारा एक सुझाव और है कि जो बच्चे स्टेनो पढ़ना चाहते हैं वो बेसिक वाले बच्चे वो ऑफलाइन पढ़ें तो ज़्यादा फायदा रहता है। ऑनलाइन फ़ायदा कब रहता है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं काका गागा से, वो अभी से स्टार्ट करें और ऑफलाइन जाए, कहीं पर भी जाए, किसी भी टीचर से पढ़े, लेकिन उसको ऑफलाइन पढ़े तभी आपको बेनिफिट करेगा। अब देखिए स्टार्ट किया किसी बच्चे ने, जैसे मान लीजिए आज से स्टार्ट किया, तो आज से जब वो स्टार्ट करेगा तो पहले काका गागा सीखेगा, फिर शब्दों को जोड़ना सीखेगा, फिर साक आंकड़ा, तो ऐसा करते करते करीबन 2 से 3 महीने के अंदर कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलेगा वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये जब प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिलेगा, बढ़िया टाइम मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, रामधारी खंड 1 भी प्रैक्टिस करते हैं, रामधारी खंड 2 भी कर सकते हैं और निबंध भी लिख सकते हैं, ओवरऑल सभी चीज़ों पर इसमें प्रैक्टिस करें। अगर आप मान लीजिए लेट होते हैं, मान लीजिए आप सीखते हैं अक्टूबर में आप जब स्टैंड अप सीखना चालू करेंगे और जनवरी में आपका स्किल टेस्ट लगा होगा, तो फिर आपके पास बच्चे 2 महीने, आप पूरा दिन भी पढ़ेंगे तो भी आपका नहीं होगा। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है लेकिन इतना आसान नहीं होता। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, भले चाहे आधा एक घंटा पढ़िए, लेकिन अभी से स्टार्ट इसको करिए। तो स्टार्टिंग वालों के लिए यही है कि अभी से स्टार्ट कर लें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। दूसरा क्या, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बुक अभी चालू हो गई होगी और उनके 10 से 20 चैप्टर हो चुके होंगे, तो उनका कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी हो सकता है, लेकिन 1 से 1.5 महीने में आराम से उनका कोर्स ख़त्म हो जाएगा और उनके पास ठीक टाइम है। इसमें मतलब कि
आराम से अपना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 80 वर्ड की वहाँ स्पीड बोली जाती है, तो 80 ही नहीं आपको प्रैक्टिस करनी, 90 की भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो बच्चे बुक स्टार्ट कर चुके हैं, जिनकी 20-22 एक्सरसाइज तक हो गई है, तो वो आराम से अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका कोर्स समाप्त हो जाएगा, और उनके पास टाइम भी है, इधर रिटर्न पर भी पढ़ सकते हैं और ये और इधर साइड में स्टेनो की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता है जिनका कोर्स ख़त्म हो चुका है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्टेनो की बुक ख़त्म हो चुकी है और वो केवल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कुछ नहीं करना, केवल उनको डेली एक डिक्टेशन आराम से लिखनी है, 800 वर्ड की डिक्टेशन लिखनी है, और एक डिक्टेशन लिख के उसको कंप्यूटर पर टाइप कर लेना, पर डे ये करना नॉर्मल, आधे घंटे का टाइम लगेगा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको फोकस रिटर्न पे करना है, क्योंकि रिटर्न जब आप निकलेगा तब आप वहाँ पर स्किल टेस्ट देने जाएंगे, तो जो जिन बच्चों का कोर्स ख़त्म होगा उनको अनुभव भी हो गया, तो डेली आपको एक डिक्टेशन लिखनी होगी, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन कौन कौन बच्चे जो हमारा कोर्स लेना चाहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो SSC का हो, चाहे UP SSSC का हो, चाहे EPFO स्टेनो हो, या कोई भी उत्तराखंड की आई हो, कोई भी जो वैकेंसी आएगी, तो हमने उसके लिए पेड कोर्स लॉन्च करेंगे, कल हम आपको वीडियो बता देंगे कि आपको कैसे कैसे लेना है, और जो हमने बनाया है, जो हमारी टीम है उसमें बहुत अच्छे से उस पर काम कर रही है, डिक्टेशन का आपको PDF अच्छे से मिलेगा, आपको जो कठिन शब्द हैं एडवांस आउटलाइन भी मिलेगी, शब्द चिन्ह के भी बताए जाएंगे, पूरा एक बेहतरीन तरीके से सिस्टम तैयार किया गया है, तो कल हम उसके बारे में आप लोगों को वीडियो में बता देंगे, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, और SSC के लिए भी है, और UP SSSC के लिए, EPFO, ओवरऑल सभी चीज़ों के लिए हर चीज़ का एक सिस्टम है। SSC का बैच अलग रहेगा, EPFO का अलग रहेगा, और जो उत्तराखंड की APS की वैकेंसी है, हर चीज़ जो है वो अलग अलग रहेगा और रिजनेबल रेट में रहेगा, तो कल हम आपको बता देंगे तो कैसे कैसे रहेगा। तो पूरी हमने आप लोगों को जानकारी दे दी है, तो जो बच्चे अभी से स्टैंड अप पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो हमारी जो क्लास है वो कानपुर में क्लास चलती है हमारी, तो जिसको भी बात करनी है वो 99-56-1-2-3-4-7-5 इस नंबर पे कॉल कर ले, और रात में 9 से 9:30 बजे के बीच में कॉल कर ले, तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे SSC के लिए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, और बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। थैंक